अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मौज़म शान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में MT 7 8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का मैंने रिव्यू किया था। इसके सारे फीचर्स वगैरह आपको मैंने दिखाए थे, किस तरह से आप इसमें लोकल म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह कैसे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और मैंने इसके जो बाकी के फ़ीचर्स थे वो सारे आपको दिखाए थे, कौन कौन से फ़ीचर्स हैं इसमें। और इस वीडियो में मैं आपको बताने लगूँ कि आपने MT 7 8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, इसमें आपने एप्पल लोगो किस तरह से लगाना है, इसकी कॉल सेटिंग किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने लगे हैं। वीडियो आपने अंत तक ज़रूर देखनी है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी वे है MT 7 8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का। आपने अपने मोबाइल में मेटोफिट की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड है, दोनों में ये एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी प्ले स्टोर पे या आई स्टोर पे। एप्लीकेशन का जो लोगो है वो आप देख लें, सेम यही लोगो होना चाहिए मेटोफिट एप्लीकेशन का। उसके बाद इधर प्राइवेसी पॉलिसी एग्री करने को कह रहा है, ये आपने एग्री कर देना है। उसके बाद ये कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ की एसेस मांग रहा है, ये भी आपने अलाउ करना है। ये आप अलाउ नहीं करेंगे तो आपकी वॉच कनेक्ट नहीं होगी। उसके बाद डिवाइस के ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है, इधर से ऐड डिवाइस के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इधर से आपने लोकेशन जो है वो अलाउ कर देनी है मोबाइल की। उसके बाद देखें इधर MT 7 8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच शो होगी या मोबाइल के ऊपर, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे पेयर कर लेना है। ये देखें पेयर हो चुकी है वॉच, ये देखें ऊपर अभी कनेक्टेड भी लिखा आ जाएगा, ये देखें कनेक्ट हो चुकी है वॉच। उसके बाद हमने इसकी सेटिंग करनी है। सबसे पहले नोटिफिकेशन की सेटिंग कर लेते हैं। इधर से आपने नोटिफिकेशन का जो परमिशन है वो अलाउ कर देना है। इधर मेटोफिट शो हो रहा है, इसे आपने अलाउ करना है। उसके बाद आपने वापस एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। इधर से आपने दोबारा से नोटिफिकेशन वाली सेटिंग में जाना है, और इधर से आप जो जो नोटिफिकेशन जिस जिस एप्लीकेशन का आप चाह रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन वॉच के ऊपर रिसीव हो वो आप ऑन कर लें। मैसेंजर, फेसबुक, SMS, मतलब जो जो एप्लीकेशन के आप चाह रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह वॉच के ऊपर शो हो वो आप ऑन कर लें। ये तो नोटिफिकेशन की सेटिंग हमने कर लिया। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं हम, म्यूज़िक वाला ऑप्शन, ये देखें इधर म्यूज़िक वाला ऑप्शन शो हो रहा है। इधर से आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं वॉच के अंदर, मीन्स के आपके मोबाइल में जो भी सॉन्ग्स होंगे वो आपको इधर शो हो जाएंगे, इधर से आप वॉच में कर सकते हैं। अभी मेरे मोबाइल में इस वक्त सॉन्ग्स पड़े नहीं हुए। उसके बाद वॉच फेसेस आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से वॉच फेसेस आपने चेंज करने हैं। ये डायल सेटिंग में आपने जाना है, इधर स्टोर का ऑप्शन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे, 100 से ज़्यादा इसमें वॉच फेसेस हैं, इनमें से कोई सा भी वॉच फेस आप लगा सकते हैं। और इधर ये एक ऑप्शन है DIY, इधर से आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं गैलरी में से। ये देखें इधर से मोबाइल की गैलरी में आप जाएंगे, इधर से आप अपनी कोई सी भी पिक्चर लगा सकते हैं। ये देखें ये वाली पिक्चर मैं इसमें लगाने लगाऊँ, इसे आपने थोड़ा सा क्रॉप कर लेना अपने हिसाब से, और नीचे आपने सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पिक्चर के ऊपर जो टाइम शो होता है, टाइम और डेट, इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें अभी नंबर में था, मैंने क्लॉक में इसे चेंज किया और कंफर्म के ऊपर क्लिक किया। ये देखें अब नीडल्स में शो हो रहा है क्लॉक वाइज, और डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये थोड़ी देर में वॉच फेस हमारा लग जाएगा वॉच के ऊपर, तकरीबन 15 से 20 सेकेंड लगेंगे और हमारी जो पिक्चर है वो वॉच के ऊपर लग जाएगी। ये देखें इस तरह से आपको पिक्चर शो होगी, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। उसके बाद अब देख लेते हैं कि इसमें एप्पल लोगो किस तरह से ऐड करना है। ऑन ऑफ करते वक्त स्मार्ट वॉच को जब एप्पल लोगो शो होता है तो वो ऐड करना पड़ता है इसमें। ये देखें DIY लोगो का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और फिर एल्बम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और इधर से आपने अपने मोबाइल की जो गैलरी है उसमें चले जाना है। अब इधर गैलरी में से आपने एप्पल लोगो वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। अब इधर एक बात समझने वाली है कि आपने पहले एप्पल लोगो की जो पिक्चर है वो डाउनलोड करनी है गूगल से। गूगल पे जाके आप एप्पल लोगो लिखें, साथ ब्लैक बैकग्राउंड लिख दें, तो आपको एप्पल लोगो की पिक्चर शो हो जाएगी ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। आपको मैं एक पिक्चर का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप एप्पल लोगो की पिक्चर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने वापस एप्लीकेशन में आना है और एप्पल लोगो वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, जो पिक्चर आपने सेव की होगी गूगल से। उसके बाद नीचे आपने सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और इधर आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। 2 से 4 सेकंड के अंदर एप्पल लोगो जो है वो वॉच के ऊपर लग जाएगा। ये देखें एप्पल लोगो ऐड हो चुका है वॉच के ऊपर। अब इस वॉच को जब मैं पावर ऑफ करूंगा ना, टर्न ऑफ करूंगा, तो इधर मुझे एप्पल लोगो शो होगा। ये देखें इस तरह से एप्पल लोगो शो होगा जो मैंने अभी ऐड किया है। इसी तरह से जब इसे मैं दोबारा टर्न ऑन करूंगा, फिर दोबारा से मुझे एप्पल लोगो शो होगा। वो जा टर्न ऑन भाई बिस्ती करवा रहा है। ये देखें एप्पल लोगो शो हो रहा है टर्न ऑन करने पे भी।
लो जी, एप्पल लोगो भी हमने ऐड कर लिया इसमें। और अब जो लास्ट हमारा पॉइंट रह गया वो कॉल सेटिंग वाला रह गया। कॉल सेटिंग इसमें किस तरह से करनी है? अभी वॉच तो हमारी कनेक्ट हुई हुई है एप्लीकेशन के साथ, लेकिन ये देखें कॉल मैं डायल कर रहा हूँ तो कॉल डायल हो नहीं रही। ये किस वजह से नहीं डायल हो रही है आपको मैं बताता हूँ। आपने सेटिंग के अंदर जाना है मोबाइल की, उधर से फिर आपने ब्लूटूथ के अंदर जाना है। ब्लूटूथ के अंदर ये देखें इधर आपको वॉच शो नहीं हो रही। आपने वॉच के अंदर से भी ब्लूटूथ ऑन करना है। ये देखें वॉच के अंदर से जैसे ही आप ये ब्लूटूथ वाला ऑप्शन ऑन करेंगे, ये देखें इधर फिर आपको MT 78 Ultra कॉल शो हो जाएगी। मीन्स के ये कॉल की सेटिंग है, ये कनेक्ट करनी जरूरी होती है। ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आपको ये तीन ऑप्शन शो होंगे, ये भी तीनों आपने ऑन कर लेने हैं। उसके बाद अब देखें, अब इसमें आपको मैं कॉल करके दिखाता हूँ। कॉल डायल करके देखते हैं, पहले तो नहीं थी हो रही क्योंकि कॉल हमने कनेक्ट ही नहीं थी की हुई। ये मैंने शोजी स्टोर का नंबर लिखा और ये मैंने डायल कर दिया। अब मैं वॉच से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ। ये देखें इधर से आप सेटिंग भी कर सकते हैं स्पीकर के ऊपर या एयरफोन्स के ऊपर। इस तरह से आपने कॉल सेटिंग करनी है। अगर आप ब्लूटूथ में जाके कॉल को कनेक्ट नहीं ना करेंगे वॉच की कॉल को, तब तक आपकी जो वॉच है उसमें से आप कॉल वगैरह अटेंड नहीं कर सकते, ना ही डायल कर सकते हैं। इसलिए आपने पहले वॉच का जो ब्लूटूथ है वो ऑन करना है, फिर मोबाइल के ब्लूटूथ में जाके उसे आपने कनेक्ट करना है कॉल की सेटिंग को, फिर जाके आपका जो कॉलिंग फीचर है वो वर्क करेगा। ये देखें इधर से कॉल लॉक के अंदर, अभी जो मैंने कॉल की थी कॉल लॉक के अंदर ये मुझे शो हो रहा है। इधर से दोबारा से भी मैं कॉल बैक कर सकता हूँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। तो ये थी इसकी कॉल की सेटिंग। इसमें हमने एप्पल लोगो भी ऐड कर लिया, कॉल की सेटिंग भी कर ली। उसके अलावा वॉच फेसेस में मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने वॉच फेसेस चेंज करने हैं। अगर आप इस वॉच का कंप्लीट रिव्यू देखना चाह रहे हैं, इसके बाकी के फीचर्स देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से म्यूजिक का जो फीचर है इसमें वर्क करता है, किस तरह से एयरपोर्ट्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। आप मेरा चैनल विजिट करके उसमें से वो वीडियो देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन के ऊपर भी मैंने वो वीडियो शो करवा दिया, वो भी क्लिक करके उधर से भी आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये स्मार्ट वॉच बाय करना चाह रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, तो अली एक्सप्रेस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उधर से जाके आप बाय कर सकते हैं। और उधर से आप होलसेल में भी ये स्मार्ट वॉचेज वगैरह मंगवा सकते हैं। मेटूफिट जो कंपनी है ये काफ़ी अच्छी जो प्राइस है उसमें होलसेल में भी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, तो उधर से भी आप मंगवा सकते हैं। उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उधर से आप उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके मैटूफिट कंपनी को अपने ऑर्डर वगैरह बुक करवा सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।